नमस्कार, आप देख रहे हैं इकोनॉमी का हिसाब किताब और मैं हूं आनंद चक्रवर्ती। इस वक्त अगर दिल्ली जैसे शहर में कोई किसी चीज़ की बात कर रहा है तो प्रदूषण की बात कर रहा है, और इसके लिए किसको का माना जाता है कि कौन दोषी है, तो वो है किसान, पंजाब हरियाणा का किसान जो पराली जलाता है यानी स्टबल जलाता है और उसका धुआं यहाँ पर आता है और हमें बीमार करता है, हमारे बच्चों को बीमार करता है। बहुत लोग कह रहे हैं कि ये किसान देखिए यहाँ पे ये लोग रास्ता रोक रखा है इतने दिनों से, और ऊपर से इनको सब्सिडी मिलती है और ऊपर से ये हमें बीमार करते हैं, इनको सबक सिखाना चाहिए। लेकिन ये पराली जलाने का जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन उतना आसान नहीं है, इसका समाधान उतना आसान नहीं है, क्योंकि 2018 में पंजाब फार्मर कमीशन ने $1 मिलियन का एक अवार्ड अनाउंस किया था, मतलब लगभग 7.5 करोड़ रुपए का अवार्ड अनाउंस किया था कि कोई भी अगर एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक सोल्यूशन ये पराली जलाने का जो है स्टबल बर्निंग का ला सके तो उनको $1 मिलियन दिया जाएगा, और आज तक उसका कोई सोल्यूशन, अच्छा खासा सोल्यूशन नहीं आया है। तो सोल्यूशन आसान नहीं है, समाधान आसान नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें किए जा सकते हैं, और इसके बारे में अगर कोई जानता है तो वो हैं देवेंद्र शर्मा जी, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि विशेषज्ञ हैं, और वो ऐसे विशेषज्ञ नहीं है जो सिर्फ कंप्यूटर पर बैठ के कुछ डेटा देख लेते हैं, बड़े नेताओं से बात करते हैं या बड़ी बड़ी एग्रीकल्चर कंपनियों से बात कर कहते हैं कि किसानों के लिए ये करना चाहिए। जी नहीं, वो किसानों से बात करते हैं, खेत के ग्राउंड लेवल की बात करते हैं, और आज मेरे साथ हैं। देवेंद्र जी, जैसे कि मैंने अभी कहा कि हर साल इस टाइम पे दिल्ली में लोग उछलने लगते हैं कि देखिए ये किसान फिर से पराली जला रहे हैं और इसके लिए हमारे बच्चों को नुकसान हो रहे हैं, और सच बात यह है कि यहाँ पे प्रदूषण बहुत ही बुरा है। कल मैंने एक फोटो लगाया था, 2 हफ्ते पहले का मेरे बैल्कनी से पिक्चर और कल सुबह का, और आपको दिखेगा कि इसमें जो दूर के बिल्डिंग है वो गायब है, बिल्कुल दिख ही नहीं रहे। लेकिन हम जानते हैं कि दिवाली का जो पोल्यूशन है वो भी कंट्रीब्यूट करता है इस टाइम पे, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कंट्रीब्यूट करता है, डस्ट कंट्रीब्यूट करता है, वेदर पैटर्न सबसे ज्यादा तो बोला जाता है कि किसानों के लिए हो रहा है, और मैं इसमें ये नहीं कहना चाहता कि किसानों के लिए नहीं हो रहा है, क्योंकि आज जो हम बात करेंगे उसी पे करेंगे कि किसान को पराली जलाना जलाने को अगर कहा जाए कि आप रोक दीजिए तो उनको क्या चाहिए, क्या जरूरत है किसान। देखिए, पहले तो मुझे लगता है कि अनंदा जी ये समझना बहुत जरूरी है कि बहुत से लोग जो है शहर में जो रहते हैं वो सोचते हैं कि किसान जो है वो उसको ना समझ है, उसको ये पता ही नहीं चलता है कि वो जो काम कर रहा है उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे कितना भयंकर पड़ रहा है पोल्यूशन के माध्यम से, और वो अनजान है, ये सब बातें कही जाती हैं किसानों के बारे में। लेकिन मैं जब भी किसानों से मिला हूँ और प्रदूषण की बात की है, स्पेशली पैडी स्टबल बर्निंग के बारे में जब बात होती है और आजकल के मौसम में, तो किसान सबसे पहले अपना जब वो दुख प्रकट करता है तो वो ये कहता है कि देखिए हम भी जानते हैं कि जब प्रदूषण होता है तो सबसे पहले मेरे को और मेरे परिवार को उसको सहना पड़ता है, और क्योंकि मेरा अपना खेत तो चलो जल गया, आपने मान लिया उसका पैडी स्टबल जो है वो जल गया, खत्म हो गया, लेकिन मेरा गांव का जो पैडी स्टबल भी जलता है उसका भी मेरा मेरे फैमिली पे इंपैक्ट होता है, ये उसका कहना है। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि वो समझता है, उसको सारा ये एहसास है कि भाई इससे कितना भयंकर एनवायरमेंटल क्राइसिस होता है, क्योंकि जिसका परिवार ही उससे इम्पैक्टेड होगा वो समझता है, और उसको ये बात बड़ी क्लियर नजर आती है कि भाई जो दिल्ली में या दूर लोग बैठे हैं उनके परिवारों को या उनकी फैमिलीज को कितना नुकसान होता होगा। लेकिन क्या कारण है कि भाई किसान जो है वो एक तरह की मजबूरी अपनी एक्सप्रेस करता है कि भाई मेरे पास कोई और चारा नहीं है। एक तो इस पे बहुत सा कहा जा चुका है और उन्हें जो कि उनके पास जो विंडो होती है पैडी हार्वेस्ट के बाद और वीट की सोइंग के पहले वो बहुत कम होती है, इसलिए वो जल्दी में होता है। जैसा आजकल हम देखें, आज का पीरियड है, आज 13 नवंबर हो गई है और 13 नवंबर का टाइम है अभी जो है, इसको मैं पीक टाइम कहूंगा गेहूं की जो सोइंग हो रही है, तो 13, 15 या 20 तारीख तक जो है आप देखेंगे अधिकतर किसान जो है वो वीट की जो सोइंग है वो समाप्त करेंगे, तो इससे इसमें उनको इंटरप्ट कर रहा हूँ, कितने दिन का विंडो रहता है किसान के लिए ये जो सोइंग का पीरियड है? इसमें तकरीबन 3 हफ्ते का विंडो किसान को मिलता है अगर वो शॉर्ट ड्यूरेशन वैराइटीज लगा रहा है। प्रॉब्लम ये भी है कि कुछ किसान है पंजाब में जो अभी भी
लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी का उपयोग करते हैं जो कि 160 165 दिनों तक चलती है, तो उसमें विंडो और भी कम हो जाता है। अच्छा। और वो भी एक एक हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि उसके अंदर एरिया रिड्यूस किया जाए, पर हम अगर ब्रॉडली देखें तो वो 3 हफ्ते के अंदर उसको अपनी पैडी को हार्वेस्ट भी करना है, फिर उसको पैक करके उसको मंडी में लेके जाना है, मंडी में भी आप जानते हैं कि उसका वेट है, टर्न है, ये सब बातें होती हैं, फिर आके उसको अपना बत्तर का इंतजार करना पड़ता है। बत्तर मतलब एक मॉइस्चर जो चाहिए होता है पैडी के हार्वेस्ट के बाद वीट सोइंग के लिए, वो भी उसको चाहिए है, उसका इंतजार करता है। वो जब हो जाता है तो देन आई थिंक ही गेट्स इनटू ऑल द अदर जो इनपुट सप्लाई और इनपुट अरेंजमेंट और वो सब करके वो सोइंग की बात शुरू करता है। उससे पहले आपने फील्ड को भी उसको रेडी करना है, यू नो ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स, तो उसको सारा उसमें इट्स अ टाइम जब उसका पीक एक तरह का माने हम कि उसकी लेबर की इन्वॉल्वमेंट होती है। अब इस पीरियड में उसको 3 हफ्ते के पीरियड में ब्रॉडली मैं कहूंगा, तो उसके अंदर अगर उसको ये विंडो है, अगर ये विंडो को उसमें अगर वो शॉर्टन हो जाए, बारिश हो गई है तो वो और भी शॉर्टन हो जाती है, जैसे इस साल हुआ है बारिश हो गई लेट अक्टूबर में, तो उससे क्या हुआ कि वो थोड़ा सा पकने में देर होती है, आप जानते हैं ग्रेन को, तो उसके करके उसका विंडो और भी शॉर्टन हो जाता है, तो उस टाइम उसके पास कोई ऑप्शन रहता नहीं है। द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल इज कि उसको जला के वो अपना फ्री होके खेत को अपने सोइंग के लिए तैयार करे अपनी फसल की। कुछ लोगों को वीट लगाना है तो कुछ को पोटैटो भी लगाना होता है, तो ये सब जो इम्पोर्टेंट। एक सवाल ये मेरा कि हमने मतलब मैं तो मेरे 39 साल हो गए दिल्ली में रहे हुए, 39 49 सॉरी मेरी हिंदी तो नंबर थोड़ी कमजोर है 49, लेकिन ये जो क्रॉप बर्निंग से जो ये धुआं आता है या पोल्यूशन आता है, ये मुझे लगता है, शायद मैं गलत हूँ, ये थोड़ा सा नया फिनोमिनन है, ये शायद पिछले 10 साल में ही मैंने देखा होगा या उससे थोड़ा ज्यादा। तो ये चेंज क्या आया कि किसान को क्रॉप को बर्न करना पड़ रहा है, ना कि स्टबल जो है पराली को काट के नीचे से उठाए, ये क्या चेंज आया? 3 दशक या उससे पहले का समय अगर मैं याद करूं तो मुझे याद है कि 30 साल पहले जब हम पंजाब में पैडी हार्वेस्ट के टाइम पर ट्रैवल किया करते थे तो उस समय भी हमें पोल्यूशन का वो सामना करना पड़ता था। अच्छा, लेकिन अच्छा। वो इतना नहीं था जी, इतना नहीं था जितना अब हो गया है। उसका कारण एक स्पष्ट है कि जैसे जैसे कंबाइन हार्वेस्टर से पैडी का एरिया रकबा बढ़ता गया हार्वेस्ट का, वैसे वैसे वो जो हम देख रहे हैं स्टबल बर्निंग ज्यादा होती गई है। उसका मुख्यतः कारण तो ये है जो पहले भी हमने कई बार डिस्कस किया है कि जब कंबाइन से हार्वेस्टिंग होती है तो उसमें क्या होता है कि तकरीबन 9 इंच या 10 इंच का जो स्टॉक है या स्टबल जो है वो रह जाता है, क्योंकि अच्छा। वो मशीन जो है ऊपर से काटती है, जो स्पाइक होता है जिसमें दाने होते हैं उसको ऊपर से काटती है और नीचे का पोर्शन रह जाता है, उसको मैनेज करने के लिए किसान को उसको रिमूव करना है, उसको या तो उसको वो प्लॉ करे, रीप्लॉ करे, लेकिन क्योंकि पैडी के स्टबल में एक प्रॉब्लम है कि उसमें सिलिका कंटेंट ज्यादा होता है, तो वो एनिमल्स भी उसको नहीं खाते हैं और जो हम जमीन में उसको कोशिश करें कि उसके अंदर ही अगर वो मिल जाए तो या इट एक्ट्स एज ए न्यूट्रिएंट, वो प्रोसेस ही इसलिए कि वो क्योंकि वो डिकम्पोज नहीं होता तो वो किसानों के लिए प्रॉब्लम होती है। तो ये क्या मतलब ये क्या नए सीड का कारण है या हर कोई भी पैडी आप ले उसमें सिलिका कंटेंट ज्यादा है वो डिकम्पोज होने में टाइम लेता है? कई सालों से जो हमारी किस्में आ रही हैं उसमें हमने देखा कि सिलिका कंटेंट ज्यादा होता है, जैसे कि बासमती में जो है, बासमती में ये प्रॉब्लम नहीं आता, उसका कारण है कि उसका फॉडर जो है वो बड़े काम का होता है, उपयोगी होता है, बिकॉज उसमें सिलिका कंटेंट नहीं होता है, तो उससे क्या होता है कि एनिमल्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है और साथ में वो डिकम्पोजिंग के लिए आसानी होती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने भी कई बार पूछा है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को कि आपने इतने सालों से आपको पता है कि ये प्रॉब्लम है तो आपने ये कोशिश क्यों नहीं की सिलिका कॉन्टेंट को रिड्यूस किया जाए वराइटीज का? तो मुझे जवाब ये मिलता है कि हम कोशिश कर रहे हैं जी, अब हम करेंगे। मैंने कहा देखिए, जैसे सरकार ने कहा कि फोर्टिफिकेशन करनी है वराइटीज की, तब तो साइंटिस्टों ने फटाफट कर दिया है ना, लेकिन जब सरकार ने शायद नहीं कहा या ऊपर से शायद पॉलिसी डिसीजन नहीं आया तो अभी भी उसमें टाइम लग रहा है। एनीवे, आई एम नॉट सेइंग कि इतना आसान होगा, लेकिन मेरा कहना है कि कम से कम इस पे ध्यान दिया जाना चाहिए था पिछले 30 सालों में, तो कम से कम ये इसके लिए मतलब अगर ध्यान हमने फोकस किया होता तो अभी शायद इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन फिर भी ये जानना जरूरी है कि वो विंडो जो है वो बड़ी शॉर्ट है, तो किसान को ये सारे ऑपरेशन उसमें करने पड़ते हैं, इसलिए उसको ये एक लगता है कि आसान तरीका है।
तो फिर सोल्यूशन क्या है इसको अगर? और इंटरेस्टिंग भी आनंद जी, बड़ा इंटरेस्टिंग एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि शुरुआत में जब मैंने आपसे कहा ना कि 30 साल पहले जब मैं जाया करता था गांव में तो पोल्यूशन होता था, उस समय अगर हम देखें तो यूनिवर्सिटी की अपनी रिकमेंडेशन है कि आप इसको जलाइए। वो अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम लोग किसान के ऊपर ब्लेम तो डालते हैं, बड़ा आसान है, लेकिन यूनिवर्सिटी की अपनी रिकमेंडेशन है कि आप इसको जलाइए, ये वो कहते आए हैं। और बाद में जब ये ज्यादा हो गया तो मुझे लगता है तब उनको पता चला या समझ आया होगा कि भाई दिस इज नॉट द वे फॉरवर्ड। तो मतलब 30 साल से जो एक टेक्निक किसान को सिखाया जा रहा है ऊपर से, जो किसान का खुद का टेक्निक नहीं है, ऊपर से जो सिखाया जा रहा है उसमें कहा गया था कि आप लोग जलाइए, और अब कहा जा रहा है कि आपकी गलती, आप क्यों जलाते। ये हमारे कुछ किसान नेता हैं जो इस बात को अपने डॉक्यूमेंट के साथ पेश भी करते हैं कि पैकेज ऑफ प्रैक्टिस जो यूनिवर्सिटी बनाती है, अगर आप पिछले कई दशकों पहले का देखें तो उसमें ये रिकमेंडेशन थी कि आप अपने इस फसल को जलाइए, जो उसका स्टबल है उसको जलाइए। अब देखिए ना, वो अक्सर हमारे देश में ये हम सारा का सारा बोझ किसान के सिर पे डाल देते हैं और हम कहते हैं कि इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये इररिस्पॉन्सिबल है, ये जानता नहीं है, ये सोसाइटी का नुकसान कर रहा है, ये सब बातें कही जाती हैं क्योंकि इजी जिसको कहते हैं व्हिपिंग बॉय है। लेकिन सच्चाई है कि हम कभी ये देखने की कोशिश करेंगे, अगर पैडी का रकबा बढ़ भी रहा है पंजाब में तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना फोकस रहा है, कितना थ्रस्ट रहा है। देखिए डाइवर्सिफिकेशन की बात होती है, सॉरी मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ, लेकिन आपसे बात करना ये चाहता हूँ, क्योंकि एक इसी लड़ी में कि भाई पॉलिसी कैसे डिसाइड करती है। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि सब डाइवर्सिफिकेशन करिए, पंजाब में एक जौहर कमेटी रिपोर्ट 80s में आई थी, मिड 80s में, अर्ली मिड में उसमें आई थी, उन्होंने कहा था कि साहब पंजाब में पैडी से एरिया निकालकर आप ऑल्टरनेटिव क्रॉप्स में जाइए, ये उन्होंने कहा था, रिकमेंडेशन थी। और उसके बाद दूसरी रिपोर्ट उनकी आई है, उसमें भी यही कहा गया था कि डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है, उसके साथ में कई उन्होंने सुझाव भी दिए थे। लेकिन इंटरेस्टिंग देखिए कि जिस टाइम सरकार के पास अपना कम होता है, इसकी स्टॉक्स जो कम होते हैं, आपको याद होगा जब 2007-2008 में जब फूड क्राइसिस हुआ था दुनिया में, तो उस समय इंडिया बच गया था। लेकिन उस समय अगर कुछ हमें ऑफिशियल्स बताते हैं पंजाब के, कि उस समय सेंटर की चिट्ठियां आती थी कि फॉरगेट अबाउट डाइवर्सिफिकेशन, आप पैडी की पैडी बढ़ाई, पैडी की बढ़ाई। मतलब देखिए डाइवर्सिफिकेशन उनके लिए तभी बात होती है जब पोल्यूशन बढ़ जाता है या पानी का दोहन होता है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है देश को पैडी की या फूड स्टॉक्स की, तब कहा जाता है कि सबको भूल जाइए, आप पैडी के ऊपर जोर दीजिए। मैं इसका 2008 कर रहा हूं रविंद्र जी, मैं लेबर कॉस्ट पे जाने से पहले एक चीज आपसे पूछूंगा। 2017 में मुझे याद है मैंने आपसे इंटरव्यू किया था इसी बात पे, उस वक्त एनडीटीवी इंडिया के लिए, और आपने कहा था कि ये जो सारे कहा जाता है कि आप हैप्पी सीडर ले आइए, ये ले आइए, ये ले आइए, जिससे कटवाले मशीन, एक और मशीन लगा लीजिए, इसके जगह सिर्फ जो लोग कंबाइन हार्वेस्टर बनाते हैं कंपनी, शायद आपने जॉन डियर नाम की किसी कंपनी की नाम की तो मुझे याद नहीं था, तो आपने कहा था उनसे कभी हमने क्यों नहीं कहा कि आप मशीन जो जिसका काटने का सिस्टम है उसको थोड़ा सा चेंज करके ये कीजिए कि वो नीचे तक काट के ले जाए। क्या ये 4 साल हो गए, क्या आपके मतलब जहन में है कि कोई बातचीत हुई है इन कंपनियों के साथ? नहीं, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये इस पे मुझे लगता है कि फोकस हमें करना जरूरी है एज ए पॉलिसी, क्योंकि अगर हम एज ए पॉलिसी उनको बोलते हैं, जॉन डियर कंपनी जो है बहुत बड़ी है दुनिया की, उनको बोलते हैं, ये और भी इसके साथ दूसरे प्लेयर है, मेरे को लगता है कि जब बड़ी कंपनी स्टार्ट करती है तो वो टेक्नोलॉजी जो है वो इजिली डिवेलप भी होती है और पास ऑन भी होती है, तो हमें ये थ्रस्ट करना चाहिए कि हम उसको एक तो ऊपर से नहीं हम नीचे से काटें, और वो ब्लेड कैसे चलता है मेरे टेक्निकल तो वो बात जानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ देखिए ना, हमने कहा कि भाई उसके बाद एक मशीन के पीछे एक हमने वो लगा दिया, एक और अटैचमेंट लगाया कि भाई वो उसको उसको काट के वो जो बच गया है उसको काट के वो स्प्रेड करेगा उसमें सारे में, ये हमने सब काम किए हैं। लेकिन प्रॉब्लम जो यहाँ आ रही है वो ये आ रही है कि वो उसके बावजूद भी किसान जो है वो ये देखते हैं कि वो डिकम्पोज नहीं हो पाता, उनको वीट की सोइंग में उसमें प्रॉब्लम आती है। दूसरी बात यह है, एक आ रही है सर कि हमारे यहाँ एक प्रचलन है कि शायद हम मशीनें हम किसान के ऊपर लाते जा रहे हैं। मेरा मानना है कि पंजाब विल सून बिकम ए जंकयार्ड फॉर मशीन्स, क्योंकि जिस तरीके से मशीन पुश की जा रही है पंजाब में, आप किसी खेत में जाइए वहां पर मशीनें खड़ी होती हैं और सब्सिडी पे मिलती हैं, ये सब तो हमारा खैर फोकस रहा, ये ध्यान भी रहा है, और ये भी कहा जाता है कि मैकेनाइजेशन बहुत जरूरी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें कभी ये इसके बात का एहसास होगा कि भाई एक स्टेज ऐसी आ जाएगी
कि पंजाब विल बिकम ए जंक यार्ड फॉर मशीन, शायद वो एक नया प्रॉब्लम क्रिएट होगा, लेकिन ध्यान उस पर तभी जाएगा कि अगर दिल्ली के लोगों को कोई उससे दिक्कत आएगी तभी शायद ध्यान ध्यान जाएगा, हमारे अपने खेतों में रहेगा प्रॉब्लम तो कोई उस पर ध्यान देता किसी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मेरा सिर्फ किसी को फर्क नहीं पड़ता सर। तो मेरा कहना यह है कि भाई क्या हम उस तरफ जा रहे हैं, ये हमें जानना है कि हम मशीनों से मशीनें, आप देखिए इस समय पंजाब के पास ये स्टबल बर्निंग के केस में तकरीबन 1,09,000 मशीनें जो हैं किसानों को दी जा चुकी हैं बाय वे ऑफ सब्सिडी और वो सब जो है, और उसमें अभी भी कहा जा रहा है कि 70,000 मशीनों की और जरूरत है, और उसके बावजूद भी आप देखिए कि एक सरकार ने एक एक और सिस्टम शुरू किया है 2018 से, वो है कि नोडल ऑफिसर अपॉइंट किए हैं। नोडल ऑफिसर अपॉइंट करने का मतलब यह है कि ये गांव में हैं, और पंजाब में कुछ तकरीबन 13,000 विलेजेस हैं, 13,000 गांव हैं, तो लेकिन बहुत सारे गांव में बहुत कम एरिया भी, कई कई गांव में मतलब कम एरिया भी होता है पैडी के अंदर, वो सब मिला के इन्होंने 8,000 नोडल ऑफिसर रखे हैं, एक तो इंडिविजुअल विलेजेस के लिए जो बड़े बड़े हैं, और जहां पर बहुत कम रकबा है उनको 2-3 विलेजेस को कंबाइन करके नोडल ऑफिसर बना दिया गया। ये लोग जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से स्कूल टीचर्स जो हैं ऐसे लोगों को उसमें एम्प्लॉय किया गया है और रखा गया है, एम्प्लॉय तो नहीं रखा गया है मतलब, और उनको ये कहा गया कि साहब आप ये देखेंगे कि भाई कैसे किसानों को एजुकेट किया जाए कि पैडी स्टबल को ना जलाएं और ये सब बातें जो हैं। लेकिन इत्तेफाक की बात देखिए 2018 में ये अपॉइंट हुए हैं, तो 2019 में फायर का जो इंसिडेंट्स हैं वो बढ़ गए, बढ़ गए, हाँ जी 2020 पे छोड़ दिया, अभी हम देखें तो अभी भी इंसिडेंट जो है बढ़ रहे हैं, अभी तो पिछले कल तक जो डाटा आया है उससे इंडिकेशन है कि बढ़ रहा है बहुत फास्ट रेट से। कहने का मतलब ये कि जब से नोडल ऑफिसर लगाए हैं तब से ये एरिया भी हमारे सरकारें जो है, चाहे हमारी सरकार चाहे वो पंजाब सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनको वो ये क्यों नहीं देखते हैं कि जो किसान है वहां पे वो कुछ लोगों को काम पे रख के ये काट कटवा सकते हैं, तो उनको ये पैसे दे दिए जाए, जो लेबर कॉस्ट है या जो उसको ट्रांसपोर्ट करने का कॉस्ट है या डिस्पोज ऑफ करने का कॉस्ट है बिना जलाए, वो कॉस्ट किसान को दिया जाए, प्रति क्विंटल दिया जाए, कभी ये क्यों नहीं सोचा जाता? अरुण जी ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, अगर इतनी सेनर पॉलिसीज इकोनॉमिक्स की हो जाए तो मुझे लगता है कि हम बहुत से अपने प्रॉब्लम्स को आसानी से एड्रेस कर पाए। ये जो आपने बात कही है इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम ये जाने पहले कि पंजाब में अकेले पंजाब में 200,00,000 टन जो है स्टबल पैदा होता है, 200,00,000 टन, आप देखिए ये वॉल्यूमिनस क्रॉप है, ये वॉल्यूमिनस है, तो इसका कितना बड़ा वॉल्यूम है सब जो हम सपोज नहीं कर सकते कि भाई आफ्टर ऑल अगर हमने उसको स्टॉक भी करना हो कहीं पर तो हमारे पास जगह नहीं है उसको रखने की। दूसरी बात है कि कोई भी सरकार हो या कोई कंपनी हो जो भी क्लेम करती है कि हम इसको मैनेज कर पाएंगे, किसी की एबिलिटी इतनी नहीं है कि 200,00,000 टन को वो इफेक्टिवली मैनेज कर पाए किसी भी तरीके से आप करना चाहें। अब इस सिस्टम को जानते हुए कि भाई ये क्राइसिस हमारे सामने है, इतनी बड़ी ह्यूज क्वांटिटी है, इसको हम कैसे उसको मैनेज करें और उसी विंडो में 3 हफ्ते की विंडो में हमने उसको करना है, मुझे लगता है कि अगर हमने पहले इससे इस पे ध्यान दिया होता या अब भी इट इज नॉट टू लेट, अगर हम अब भी उस पे फोकस करें, जैसा कि आपने कहा है कि क्यों इंपॉर्टेंट है, किसान कब से कह रहा है, और मैं जानता हूं आनंद जी कई बार जब मैं बात करता हूं उनसे अभी भी कई सालों से, तो वो ये कहते हैं कि देखो जी और तो कोई उपचार आप हमें बताते रहिए, बेस्ट सोल्यूशन ये है कि अगर चाहते हो कि हमारे करके आपको लगता है कि प्रॉब्लम है, हम उसको मैनेज करने के लिए तैयार हैं, हम मैनेज करने के लिए तैयार हैं, हमें आप क्योंकि गेहूं और पैडी के उसमें से कुछ निकलता नहीं है ज्यादा, वो जानते हैं कि भाई इट इज नॉट ए रिम्यूनरेटिव क्रॉप नाउ, तो वो ये कहते हैं कि हमें इस केस में उसको मैनेज करने के लिए आप 200 रुपए प्रति क्विंटल हमें एडिशनल दे दीजिए, सिर्फ वो इतना मांगते हैं, तो ये कहते हैं कि साहब चाहे हम फैमिली लेबर को लगाएं, चाहे हम मनरेगा की लेबर को लगाएं या कुछ और भी जो तरीके अपनाएं, या हम उसके बंडल बना के कंपनियों को बेचें, जो भी करें वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपको याद होगा जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जब चीफ मिनिस्टर से, उन्होंने भी कम से कम 3 साल पहले मुझे याद है सेंटर को लिखा और मिले भी उनको, कहा कि मुझे आप 2,000 करोड़ रुपए एडिशनल दे दीजिए जिसमें मैं 100 रुपए प्रति क्विंटल किसानों को देना चाहूंगा, ये उनका भी कहना था, एंड आई कंप्लीटली एग्री विद, ये उन्होंने कहा था, और उनका ये कहना था कि किसान जो है वो अपने आप फिर उसको मैनेज करेगा, चाहे वो रीप्लॉग करे, चाहे वो उसको मल्चिंग में यूज करे, या जो जिसमें का इंडस्ट्रियल यूज के लिए पैक करके, जो भी करे, जब वो करने को तैयार है, वो कमिट कर रहा है कि आप मुझे एडिशनल कॉस्ट दीजिए, तो फिर हम उसको 2,000 करोड़ रुपए अगर स्टेट को एक्स्ट्रा दिया जाता तो स्टेट जो है उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से उसको उस, लेकिन शायद हमारे देश में देवेंद्र जी, हमारे देश में सरकारें भी ऐसी कंपनियों को 2,000 करोड़ रुपए दे देंगे जो कहेंगे कि हम कोई मशीन निकाल रहे हैं
जिससे ये स्टबल बर्निंग का प्रॉब्लम किसान को नहीं देंगे, कंपनी को दे देंगे। सबसे बड़ी चिंता यहीं पर है कि हमारी जो इकोनॉमिक सोच है उसमें किसी इन्वेस्टमेंट करना कोट अनकोट या किसी मशीन पे या किसी बिल्डिंग पे, वो हम सोचते हैं इज गोइंग टू बी पाथवे फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, लेकिन ह्यूमन कैपिटल पे जब हम इन्वेस्ट करना चाहें तो हमें लगता है कि इट्स वेस्ट ऑफ रिसोर्स। लेकिन आप मानेंगे कि ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है और वही एक्चुअली जो है आपको जो बिल्डअप हम चाहते हैं जीडीपी का ग्रोथ हो या वैसे भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो वही एक्चुअली डील कर सकता है। अब देखिए कि पंजाब में अगर हमने ये किया होता तो आप उसके देखिए, एक तो है कि भाई 2000 करोड़ रुपए का ठीक है आपके एडिशनल खर्चा आ गया, लेकिन आप ये भी ना भूलें कि अभी तक जो मशीनें दी गई हैं पंजाब में उसमें 1000 करोड़ रुपए हम खर्च कर चुके हैं। वैसे भी 2000 करोड़ रुपए तो लोगों के पास जाता ना, आज के टाइम पे लोगों के पास पैसे नहीं है चीजें खरीदने के लिए, तो आप कोई काम करवा के उनको अगर दे रहे हैं तो उसमें खर्च क्या है। आपने बिल्कुल ठीक कहा और यही सवाल जो है ये बार बार उठता भी है और उठना भी चाहिए, लेकिन हमारे पॉलिसी प्लानर्स जो है वो ये कह के हटा देते हैं कि साहब नहीं मशीनों पे इन्वेस्टमेंट करना जो है दैट मेक्स इकोनॉमिक सेंस। अब ये मशीनों पे इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, मैंने आपसे कहा कि जंक यार्ड बन गया है। अब देखिए पंजाब में जितनी मशीनें चाहिए पैडी को स्टबल को मैनेज करने के लिए 5 मशीनों का एक सेट चाहिए आपको, उसमें से 3 मशीनें ऐसी हैं जो कि वहां पर खड़ी रहती हैं, बस वो 15 दिन का उपयोग होता है, उसके बाद उसका उपयोग होता। अब आप अगर उसकी बजाय हम ऐसा कोई सिस्टम लेके आए विच आई थिंक जो आपने कहा है वही एक इफेक्टिव तरीका है कि आप किसानों को एक लिमिटेड जो आपने कहा है एडिशनल इंसेंटिव के तौर पर अगर आप देते हैं 200 रुपीज पर क्विंटल और वो अगर 2000 करोड़ रुपए या 3000 करोड़ रुपए आपको साल को देना पड़े, तो इनको ये समझना बहुत जरूरी है पॉलिसी मेकर्स को कि लुक एट दी जो कॉस्ट जो है जो पंजाब को आपको ये देने से किसानों को जो आप उसको बचाते हैं जो कॉस्ट एक तो है कि भाई आपका स्टेबल बर्निंग है बट उसका जो एडिशनल कॉस्ट है जो लोगों को बेयर करना पड़ता है जैसे पोल्यूशन है उसके रिलेटेड जो उसके हेल्थ कॉस्ट प्रॉब्लम हेल्थ कॉस्ट है सरकार का कॉस्ट है प्लस सॉइल का जो आपका न्यूट्रिएंट लॉस हो रहा है ये सब कॉस्ट अगर आप मिला लें तो ये 3000 करोड़ रुपए अगर आप पंजाब को देते भी हैं उससे बहुत ज्यादा जो कॉस्ट जो हम पे कर रहे हैं एज ए सोसाइटी वो आप बचाते। आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अभी जो और ये पैसा आपको सीजन से पहले देना पड़ेगा है ना, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते। मेरा ये कहना मेरा ये कहना है कि ये इंस्टेड ऑफ अभी देखिए इन्होंने तक सुप्रीम कोर्ट के कहने पे कुछ पैसा रिलीज किया, अभी किसानों को 20 करोड़ रुपए जो है दिया गया है इसी इंसेंटिव के तौर पर, लेकिन ये तब दिया जाता है जब देखते हैं कि भी इस किसान ने नहीं जलाया है तो उसको ये इंसेंटिव दे दिया जाए। मेरा कहना कि नहीं ये गलत सिस्टम है, आप पैडी के सोइंग के समय पे आप किसान को ये जो इंसेंटिव है उसको दीजिए और ये कहिए कि आपको इंसेंटिव हमने दे दिया, अगर अब आपने मैनेज नहीं किया और आपने उसको स्टबल को बर्न किया या जलाया उसको तो फिर आपके खिलाफ जो है एक्शन जो है वो आई एम श्योर फार्मर्स विल बी वेरी हैप्पी क्योंकि उनको वो एडिशनल जो अगर इंसेंटिव मिल जाए तो दे वुड बी वेरी कीन टू टेक केयर ऑफ दिस प्रॉब्लम, क्योंकि ये ना भूलें कि उनको सबसे पहले ये मार सहनी पड़ती है। दूसरी बात एक और है सर कि एक अभी यूनाइटेड नेशंस के समिट हुई है अक्टूबर में जो फूड सिस्टम समिट कहते हैं, उसमें ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की हम जो बात कर रहे हैं उसमें ये पाया गया कि बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा आया है, रॉकफेलर फाउंडेशन ने भी किया, इवन उसमें जो उनकी अपनी साइंटिफिक कमेटी ने उसने पेश किया कि फॉर एवरी किलो ऑफ फूड दैट वी प्रोड्यूस उसमें अगर 100 रुपए की कॉस्ट आई है जस्ट फॉर हाइपोथेटिकल में कह रहा हूं, तो जो कॉस्ट सोसाइटी को या नेचर को बेयर करनी पड़ती है दैट इज 3 times जो कॉस्ट उसको प्रोड्यूस करने की आई है। तो मुझे लगता है कि ये हमें जानना बहुत जरूरी है कि अगर हम इस कॉस्ट को अगर हम देखते हैं कि हमें लगता है कि बहुत ज्यादा है तो हमें ये जानना है कि इससे 3 times फ्यूचर में कितना देना पड़ेगा जो सोसाइटी बेयर कर रही है या पर्यावरण के वजह से जा रहा है उसके नुकसान से जा रहा है, तो वो हम कितना उसका इकोनॉमिक सेंस जो है मुझे लगता है कि उससे नापतौल अगर हम करें तो हमें समझ आएगा कि क्यों किसानों को पैसा देना जो है एज एन इंसेंटिव इफेक्टिव रहेगा। एक आखिरी सवाल मैं करूंगा लेकिन इसमें 2 parts है, एक तो है कि मैंने एक रिसेंटली ट्वीट किया था कि सरकार अगर चाहे तो मनरेगा अगर या तो आप पैसे दीजिए किसानों को कि वो हायर करके कर ले, दूसरा है कि आपके पास मनरेगा का पैसा होता है उस मनरेगा के पैसा से आप खुद करवा दीजिए, ऐसे शेड्यूल कीजिए कि जो टाइम है विंडो जो आप बोल रहे हैं उसके बीच में जाकर बाहर से आके लेबर इसको काट के चले जाए है ना और डिस्पोज ऑफ भी कर। मेरा एक सवाल आपसे उस पर मेरा कुछ रिएक्शन आया था उस पर कि एक तो मनरेगा के अंदर ये हो नहीं सकता, दूसरा है कि
ये जो सीजन होता है इसमें पंजाब में बहुत लेबर शॉर्टेज रहता है, तो आप मनरेगा से ये नहीं करवा पाए। क्या ये सही है, आपको लगता है ये सही है? देखिए, आपके दो सवाल हैं और दोनों के जवाब अलग अलग होने चाहिए। आई कंप्लीटली एग्री विद यू। पहली बात तो यह है कि हम जाने कि पंजाब में 20 लाख मनरेगा कार्ड होल्डर हैं जिनके पास काम नहीं है, वो अधिकतर लोगों के पास काम नहीं है, और पंजाब को तकरीबन 1200 करोड़ रुपए के आसपास जो है मनरेगा का फंड जो है सेंटर से आता है, और इसमें सारा सेंटर का ही कंट्रीब्यूशन आप जानते हैं, उनका 73,000 करोड़ रुपए का बजट है मनरेगा का, और बहुत सी डिमांड है, हम भी जानते हैं कि उसको बढ़ाया जाए, तो ये तो ठीक है, और 100 दिन का मिनिमम जो उन्होंने एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एम्प्लॉयमेंट है, जब 20 लाख आपके पास कार्ड होल्डर हैं तो आई थिंक यू हैव दैट मैनफोर्स जो चाहिए आपको, वर्कफोर्स आपके पास। एक बात, दूसरी बात यह है कि जो आपने ये बात कही है कि साहब इसमें स्टबल बर्निंग उसमें नहीं आता, ये ठीक कहा आपने, लेकिन इंटरेस्टिंगली एनवायरमेंट उसमें आता है, और उसमें वाटर भी आता है और सॉयल का भी आता है, लैंड का भी प्रिपरेशन के लिए आप मनरेगा को लगा सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा ट्वीट करें, आई एम श्योर इफ यू बिल्ड अप दिस प्रेशर ऑन द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट दे वुड एग्री ऑन इट, क्योंकि आजकल उसका नुकसान तो दिल्ली वाले भी जो जो मिनिस्ट्री में लोग बैठे हैं वो भी तो भुगत रहे हैं उसका। दे शुड अंडरस्टैंड कि अगर हम स्टबल बर्निंग को इसमें इंक्लूड कर लेते हैं तो उससे क्या होगा कि मनरेगा की आप लेबर को एक यूज कर सकते हैं। दूसरी बात सर, एक आप ना बोले कि अभी जो सिचुएशनल असेसमेंट सर्वे आया है 2019 का, उसमें यह कहा गया कि अधिकतर किसान जो है वो उनकी इनकम जो है नॉन फार्म एक्टिविटीज से आती है, तो आप ये ना बोले कि पंजाब में भी बहुत से फार्मर, ये भी एक जानना जरूरी है कि पंजाब में हर तीसरा किसान जो है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे, वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, तो उसको भी मनरेगा की जरूरत है। तो वो अगर हम ये कर दें कि भाई जो जो उसमें फार्म लेबर इन्वॉल्व है या जो लैंडलेस फार्मर्स उसमें इन्वॉल्व है उनको भी मनरेगा का एडवांटेज मिलेगा ऑब्वियसली, तो ये एक बेनिफिट जो है पंजाब के किसानों को और पंजाब के पर्यावरण को ये और दिल्ली की हेल्थ को मिलेगा। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, और मुझे लगता है कि ये मनरेगा का इन्वॉल्वमेंट और साथ में ये जानते हुए कि हमें स्टबल बर्निंग को अगर कंट्रोल करना है तो ये मशीनीकरण जो है जिसको हम ध्यान देते हैं उससे हटकर इसकी तरफ आया जाए, जो लोगों को हम कहें, और वो उनके ऊपर मर्जी छोड़ दीजिए कि चाहे वो मनरेगा की लेबर ले चाहे वो मशीन ले जो भी ले उनके ऊपर ये आप छोड़ दीजिए, लेट देम टेक द फाइनल डिसीजन जो किसानों के ऊपर एक है। दूसरी बात, एक बड़ी इंटरेस्टिंग साथ एक डीकंपोजर भी अभी आया है, आपने सुना है कि दिल्ली की सरकार उसको प्रमोट कर रही है, पंजाब में भी ये बहुत जगह पे स्प्रे हुआ है डीकंपोजर, और ये कहा जा रहा है कि साहब ये इससे बड़ा इजीली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, हम भी चाहते हैं कि ऐसा सलूशन आ जाए तो और क्या चाहिए, लेकिन उसमें हो ये रहा है कि पंजाब के किसान उसको एक्सेप्ट, अभी तक जो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि पंजाब के किसान उसको नहीं एक्सेप्ट कर रहे, क्योंकि वो जो डीकम्पोजिंग का टाइम बताया गया है कि 20 दिन में वो डीकम्पोज हो जाता है, वो बहुत लेट है, अच्छा वो 60 दिन में जा रहा है, और किसानों जिन्होंने डीकम्पोजर यूज भी किया है अपने उसके ऊपर स्टबल के ऊपर उन्होंने भी एंड में उसको जला दिया, और वो ये कह रहे हैं कि सर आई कांट वेट एनी मोर, मुझे तो अब सोइंग करनी ही करनी है। और अभी ऑफिशियल रिजल्ट जो है, यहाँ पर स्टडीज हो रही हैं, अभी उसके ऑफिशियल रिजल्ट्स नहीं आए हैं, लेकिन न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स में ये आया है कि किसानों ने जिन्होंने अधिकतर किसानों ने जिन्होंने यूज किया उन्होंने जला दिया। तो आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भी इस सारी प्रॉब्लम का, ऑफकोर्स वी नीड न्यू टेक्नोलॉजी, देयर इज नो डिनाइंग अबाउट इट, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप किसान को ही जिम्मेदारी जब वो लेने को तैयार है तो हम उसको देना क्यों नहीं चाहते वो जिम्मेदारी। बिल्कुल, मतलब हम चाहते हैं कि किसान जो नहीं चाहते, जैसे कि ये जो फार्म बिल आए हैं वो उन पे थोपा जाए, लेकिन जो किसान चाहते हैं उस पर कुछ ना किया जाए। देवेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक और अगर आप मैं बात कहूं कि हमारे यहाँ पर जब ये पहली बार अमरिंदर सिंह साहब ने एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को कहा कि हमें 2000 करोड़ रुपए का पैकेज दीजिए, तो उधर से जवाब ये मिला कि साहब हमारे पास पैसे नहीं है। मेरा मानना है कि पैसे की कमी नहीं है, प्रायोरिटीज की जो है जो दिक्कत है कि ये प्रायोरिटीज में नहीं आता, ये 3-4 हफ्ते का इशू है, अखबारों में आएगा उसके बाद ये सब भूल जाएंगे, फिर अगले साल हम इंतजार करते हैं। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस साल जुलाई में सरकार ने डीए जो इम्प्लॉयज का या पेंशनर्स का है वो 17% से 28% कर दिया, और उसके लिए एनुअल जो बर्डन था एडिशनल वो 34,400 करोड़ रुपए का था, और अक्टूबर में सरकार ने उसको 3% और बढ़ा दिया, तो उसमें 9,500 करोड़ रुपए का एडिशनल बर्डन हो गया साल का। अब ये 34,500 + 9,000 आपने 45,000 करोड़ रुपए का आपने एडिशनल बर्डन कर लिया, 45,000 करोड़ रुपए फॉर एडिशनल डीए जो हम दे रहे हैं इंप्लॉयज को, लेकिन किसानों के लिए 2,000 करोड़ नहीं, 2000 मेरा यही कहना है कि, और वही इंप्लॉयज जो हैं वो भी दिल्ली में रहते हैं या सब जगह रहते हैं जो पर्यावरण से
दूषित उस पर पर्यावरण को सहते हैं या पोल्यूशन को सहते हैं। मुझे लगता है कि अगर हम उस 45,000 करोड़ रुपए से 2,000-3,000 करोड़ रुपए ही किसानों को दे देते हैं तो सबका जो प्रॉब्लम है पर्यावरण का भी, हेल्थ का भी, जो लोगों का है वो हम प्रदूषण का, उसको हम एड्रेस कर सकते हैं। तो क्यों नहीं सोच जो है इस तरफ आए कि भाई कहाँ पर प्रायोरिटी होनी चाहिए देश के रिसोर्सेज की, ना कि क्योंकि ये ऑब्लिगेशन है तो हमें करना है। तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो इज अ बिगर ऑब्लिगेशन जो 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 स्टबल बर्निंग का है। निर्दय जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और इतनी आसानी से हमको समझाया कि किसान खेत से, मैं कह सकता हूँ कि लोगों को पता नहीं चलता कि खेत में किसान क्या फेस करता है, आपने जो ये समझाया, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सर, नमस्कार।